अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए, लंच की तैयारी हो रही है, आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है मटन। मटन में अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, साथ में इसमें दो बड़े साइज़ का प्याज जो था उसे कद्दूकश करके ग्रेट करके डाल दिया है। रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़े से खड़े गर्म मसाले ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे और इसे मैरिनेट करके रख देंगे। तो आज हम इस तरह से बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लाइट फिन नहीं आ रही है और ये मसाला कैसे ग्राइंड करें, मसला तो ये है। तो मसाला पिस नहीं सकता था, तो सोचा सब चीज़ एक साथ इस तरह से बना दें, मिला दें। तो आज हम बना रहे हैं अपनी पसंद का लंच, यानी लौकी गोश्त। तो गोश्त के साथ कोई भी सब्ज़ी डाल दो ना, हम लोगों को बहुत पसंद है। हम लोगों का मतलब हम भाई बहनों को, अपने मायके की तरफ की बात बता रहे हैं। तो इधर ये देखिए, ऑयल गरम कर लिया है अच्छे से, मस्टर्ड ऑयल। उसमें डाला है एक तेज़पत्ता, एक छोटी इलायची, इलायची खोल के डालेंगे, और एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है कट करके डाल दी है। हल्का सा बस इसका कलर बदलेगा। फिर इसमें तीन टमाटर जो है हाफ कट करके डाल देंगे। तो टमाटर को भी हमें टेंडर करना है। एक साथ अगर इस तरह से कर देते, मैरिनेशन में डाल देते ना, तो मसाला जो ग्रेवी बनती ना वो अच्छी नहीं बनती, दानेदार नहीं बनती, वो अच्छे से जो टमाटर है उसमें घुलता नहीं, इसलिए इस तरह से डाल दिया है। तो कभी कभी इस तरह से भी बना लीजिए, जल्दी हो या लाइट ना हो तो भी बहुत बढ़िया, बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए, दो विसल लगाया, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दिया। टमाटर बिल्कुल टेंडर हो गया है, स्किन इसकी रिमूव कर देंगे। स्किन निकाल देने पर जब टमाटर जो बनता है ना, उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और ये सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। तो अभी हम आपको बता रहे थे ना कि आज हम लौकी गोश्त बना रहे हैं, अभी बच्चों को बता देते ना कि लौकी गोश्त बन रहा है, तो अभी हस्बैंड बच्चे सब शुरू हो जाते, क्यों आप ये लौकी गोश्त बना रही हैं, सादा गोश्त बना लेती, कढ़ाई गोश्त बना लेती या भुना बना लेती, मतलब ग्रेवी में मत बनाती और उसमें कोई सब्ज़ी ना डालती, भाई ये क्या बात हुई। और जबकि हम लोगों को गोश्त, जब भी हम ग्रेवी में बनाते, शोरबे में बनाते, हम लोगों को सब्ज़ियाँ उसमें कुछ भी डल जाएँ, चाहे लौकी हो, चाहे टिंडा हो, चाहे अरबी हो, आलू हो, मटर हो, गोभी हो, सारी चीज़ें डाल करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, भाई टेस्ट डिफरेंट आता है ना। और देखिए, जो गोश्त होता है उसकी टेंडेंसी, जो तासीर होती है, गर्म होती है, तो उसके साथ अगर कोई सब्ज़ी डाल दी जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो भाई आज हमने तो सोच लिया था कि आज हमको लौकी गोश्त बनाना है। तो इधर ये देखिए, बातों बातों में अच्छे से ये देखिए, भुनाई करने के बाद विसल लगा दी थी, गोश्त टेंडर हो गया था, खोल करके भुनाई कर दी है, उसके बाद इसमें लौकी जो है कट करके डाल दी। नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, खुशबू वाला गर्म मसाला डाल दिया है। तो लौकी अभी अपना पानी रिलीज़ करेगी ना, थोड़ी देर इसको कवर कर देंगे और अच्छे से भून देंगे, और फिर इसके बाद इसमें शोरबा लगा देंगे, जितना हमें ज़रूरत है। बड़ी पीस है लौकी की, इसलिए एक विसल लगा देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसको ऐसे ही पक जाने दीजिए। लौकी सॉफ्ट अगर आपकी होगी ना, टेंडर होगी, मतलब मुलायम लौकी होगी, तो जल्दी से गल जाएगी। तो हमारी तो लौकी जो आज थी ना, बहुत अच्छी लौकी थी, और पता है इतना बढ़िया लौकी गोश्त बना था ना, मज़ा आ गया। इस तरह से हरी मिर्च डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, तो ये हमारे लौकी गोश्त जो है वो रेडी हो गया। और बाहर यहाँ पे माली भैया आए थे, और आज सारे पौधे जो थे इन्हें हम खुले में रखवा रहे थे। पहले सब इधर शेड में रखे थे ना, तो आजकल बारिश हो रही है तो बारिश का पानी इन पर अच्छे से नहीं पड़ रहा है। बारिश का पानी जब इस पर पड़ता है ना पौधों पर, तो भाई जान आ जाती है, और नई नई बहुत सारी ब्रांचेस उसमें निकलने लगती हैं। तो सब इधर करा दिया है, आप इंशाल्लाह पौधे अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा ना, ये सब साइड में हमने दवाइयाँ डलवाई हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं ना, वो कीड़े ब्लैक ब्लैक से होते हैं ना, रेंगने वाले, उस पर बाल होते हैं, बाल के लंबे लंबे कांटे से होते हैं। तो पीछे हमारे साइड में खुला हुआ है ना, मैदान पड़ा हुआ, तो उधर बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे जंगली उगे हुए हैं, तो उसमें से सारे जितने ये कीड़े मकोड़े हैं सब इधर आ रहे हैं। तो आज ये सारा काम करवा रहे थे, और बहुत टाइम हो गया था, और कटिंग भी माली भैया ने बहुत सारे प्लांट्स की कर दी है, बारिश में वैसे भी कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लौकी गोश्त रेडी हो गया है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, सिंपल और इजी सी रेसिपी है, और हमने आज आपको अपनी फेवरेट डिश दिखा दी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा,
इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और बताइए आप लोग खाते हैं कि नहीं लौकी गोश्त? अगर नहीं खाते ना तो ज़रूर खाया करिए, वैसे भी लौकी जो है वो सुन्नत होती है। बस लंच किया और सबको बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद शाम को बहुत अच्छी बारिश हो गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन लाइट जो थी वो तो आ रही थी और जा रही थी। लाइट का तो इतना मसला आजकल हो गया है कि मत पूछिए। और दिन में जो लौकी गोश्त बना था सबको इतना पसंद आया कि सब फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब डिनर की बारी थी तो डिनर में ये हुआ कि दिन में तो इतना हैवी खा लिया जाए तो कुछ लाइट सा बना दिया जाए। तो हमने कहा चलिए दिन में तो अपनी पसंद का बना लिया है, आज हस्बैंड की पसंद का बना देते हैं। तो भाई आज अब्बू की भी बहुत याद आ रही थी तो यहाँ पर हमने बना दिया था सूखी वाली मूँग की दाल, धुली मूँग की दाल। ये सूखी सूखी खिली खिली जो बनती है ना कटे मसाले में, पता नहीं आपने बनाया है कि नहीं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो शॉर्ट्स पे हमने अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। और ये देखिए घी का डब्बा लेकर के बैठ गए हैं भाई, लेकिन इस दाल का जो मज़ा है ना वो ताज़ी गरम रोटी में घी लगा कर खाने में है। और वो भी रोटी ऐसी हो ना मोटी मोटी, जो वैसे चूल्हे की बनी रोटी होती तो उसका बात ही अलग होता, लेकिन ये मोटी मोटी जब रोटी थोड़ी सी कड़ी सेक दी जाए तो बहुत मज़ा आता है। तो हस्बैंड के फेस पे देख रहे हैं ना कितनी बड़ी सी स्माइल आ गई है। नहीं दिन में भी थी, ऐसी बात नहीं है, दिन में भी खाना बहुत पसंद आया था सबको। तो भाई सबका ख्याल रखना पड़ता है। आलिया क्या कर रही हो? मार ना जाओगी बहुत जोर से। मम्मी को परेशान करने का आज। तो तुम शाबान बनी हो ना, मुझे बहुत याद आ रही है शाबान की। छोटी बच्ची बनी हो ना। नानी क्या कह रही थी? मुझे याद आ गई चीजों से, याद कर रही हूँ बॉल खेलना था ऐसे ऐसे। अपनी जो कार उसको फेंकना जरूरी रहता था। चलो हो गया तुम्हारा खाना, खिला दिया सब, खत्म हो गया क्या? हाँ फिनिश हो गया। चलो चलिए ठीक है, बाद में आपको बात करते हैं। तो आलिया जो थी ना आज वो शाबान बन गई थी। वो कह रही थी कि जैसे आप शाबान को खाना खिलाती हैं ना हमको भी उसी तरह से खिलाइए। भाई शाबान को बहुत मिस कर रही हैं, शाबान असल में अपनी नानी के यहाँ गए हुए हैं आजकल। तो फिर हमने उनको बैठ करके खाना खिला दिया। मैं चलो कोई बात नहीं, आखिर बच्चे ही हैं। उसके बाद ये देखिए चलिए आपको एक रेसिपी और दे देते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं ये सैंडविच बना रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया और फटाफट बनने वाला सैंडविच है, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे खीरा जो है उसको ग्रेट करके बहुत अच्छे से स्क्वीज कर लेना, यानी उसका सारा पानी निकाल देना। दही आपने देखा होगा, दही को भी हमने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है, ये एक घंटे से रखी हुई है दही, ताकि उसका भी पानी सारा निकल जाए, हमें हंकर्ड बनाना है। अब देखिए खीरा लिया है, साथ में कैप्सिकम लिया है और इसमें ग्रेट करके इस तरह से गाजर डाल दी है और प्याज डाल दिया है। हरी मिर्च ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे। अगर बच्चा छोटा है तो हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। और सीजनिंग में सिर्फ इसमें काली मिर्च जाती है और नमक जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दही देखिए हमारी अच्छे से इसका सारा पानी निकल गया, ये हंकर्ड बन गया। अगर आप चाहिए तो रात में इसे स्ट्रेनर पे रख के फ्रिज में रख दीजिए, सुबह आपको हंकर्ड मिल जाएगी। या आप इसको मलमल के कपड़े में डाल करके लगा रख सकते हैं, तब भी आपका हंकर्ड बन जाएगा, यानी इसका सारा पानी हमें निकालना है। तो बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। देखिए इसका पानी डिस्कार्ड मत करिएगा, इससे आप आटा नीट कर सकते हैं या दाल सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और फटाफट भी बन जाती है। और सुबह अक्सर दिक्कत होती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, तो इस तरह से आप सब्जियाँ कट करके रख लीजिए और कर्ड को इस तरह से करके फ्रिज में रख दीजिए, सुबह उठ के झटपट बच्चों को ये बना दीजिए आप सैंडविच। और ब्राउन ब्रेड में चाहिए तो उसमें बना दीजिए, लेकिन हमने तो रेगुलर जो हम लोग ब्रेड यूज़ करते हैं उसी में बनाया था। बस उसके बाद इसको असेंबल कर दीजिए और असेंबल करने के बाद इसको चाहे आप सैंडविच मेकर में बना लीजिए या फिर आप ऐसे ही तवे पे इसको कर लीजिए, टोस्ट कर लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़े की ये सैंडविच
बन जाती है। ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग, इंशाल्लाह आपको ये भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको इस तरह से रेसिपी बताएं ताकि आप लोग उसे फटाफट बना लें और सारी चीज़ें आपको अपने घर में ही मिल जाए, काफ़ी भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो देखिए, आज हमने आपको दो दो रेसिपीज़ दी हैं और दोनों रेसिपीज़ बहुत ही बढ़िया हैं। आप ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक और शेयर भी कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। और आप लोग को इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देते रहें, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना करके लाते रहें आपके लिए। और आप कमेंट्स में बताया करिए कि आप किस तरह की रेसिपीज़ चाहते हैं और किस तरह के व्लॉग चाहते हैं। तो आज कई दिन के बाद आपके साथ व्लॉग शेयर कर रहे हैं। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब सब कुछ ठीक है। तो आई होप कि आज का हमारा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ, नए कंटेंट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।